तो हेलो गाइज, नमस्कार, प्रणाम, श्री अकाल, केम चौदह, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी के न्यू वाले ब्लॉग में। गाइस रेडी हो गए, भगवान जी को प्रणाम कर लिया है और हमारे पापा जी अभी तैयार हो रहे हैं, और मम्मी जी भी बैठी है और ये न्यूज चल रही है। वो गाइस बने रहना, मिलते हैं अगले सीन में अच्छे से मैसेज के साथ। जय हिंद। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, आ गए अपन नेक्स्ट सीन में घर से बाहर, और अपने साथ अपने एक भैया हैं, और अभी आए थे अपन बबलू मोबाइल गैलरी पे बाग सेवनिया के अंदर, और ये अपने भाई है। हेलो भाई, नमस्कार। हेलो, क्या हाल चाल है भैया? बस बढ़िया। क्या नाम भैया अपना? हृदेश कुशवाहा। हृदेश कुशवाहा जी, कितने साल के अपन अभी? 27। भैया आपसे एक क्वेश्चन था मेरा, यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया जैसे ऐप होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब आप यूज करते हैं? करते हैं ना भैया। करते हैं, अच्छा। यूट्यूब से मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि यूट्यूब पे जैसे कुछ ऐसे क्रिएटर है, बड़े क्रिएटर, आप किनकी किनकी वीडियो देखते हैं, कुछ बताना चाहेंगे? यूट्यूब पे मैं किसी की वीडियो देखता हूं। ठीक है, किसी की भी नहीं? अच्छा, कुछ नाम लूंगा उन्हें, आप जानते होंगे तो यस या नो बताइएगा। कैरी मुनाइटी को आप जानते हैं? शाबाश। भुवन बम को? 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊं। राउंड टू हेल? अच्छा, इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम पे भी सिर्फ फ्रेंड लोगों। चलिए आ जाते हैं अपन अपन मुद्दे पे। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा था, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे लड़का लड़की सभी लोग मिलकर जो अश्लील भाषा का यूज करते हैं, गाली गुलौज, बकना, और वेब सीरीज में भी कहीं ना कहीं कंटेंट गलत दिखाया जाता है आजकल, तो आपके मद्देनजर ये चीज गलत है या सही है अपने भारत के कल्चर के लिए? तो कल्चर के हिसाब से तो बहुत गलत है। चचा गलत हो रहा है। अच्छा, कल्चर के हिसाब से बहुत गलत है वेब सीरीज वगैरह में इनमें। अब जैसे यूट्यूब पे बहुत से क्रिएटर है, बड़े बड़े गाली गुलौज करके वीडियो बनाते हैं, तो 1 साल से 15 साल की उम्र के छोटे बच्चों की बात करते हैं अपन कहीं ना कहीं, तो उससे बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ता है भारत की संस्कृति पर कहीं ना कहीं। तो ये आपके नजर में ये ऐसे चैनल को क्या करना चाहिए? ऐसे चैनल को बैन कर देना चाहिए। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे, और क्या करते कहां पे बैन कर देना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। तो गाइस ये भैया अपने साथ थे, एक भाई साहब अपने और साथ में है। भैया नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है भैया अपना? बाबू। बाबू, ठीक है, क्या बात है बाबू। भैया हमारे जो दुकान में है वो भी बाबू भैया है। तो अपन कितने ईयर के भैया, कितने साल के? मेरी उम्र 29 साल की। कहाँ के निवासी हैं अपन? ओके भैया, अभी जैसे आपने सुना होगा मैंने भैया से सवाल पूछे, आप यूट्यूब तो चलाते ही होंगे? नहीं भैया, कुछ नहीं चलाते के अलावा। यही नहीं, अभी और सुनिए, व्हाट्सएप के अलावा। मगर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो आजकल सोशल मीडिया पे ये गलत भाषाओं का उपयोग किया जा रहा है, तो ये हमारी भारत की संस्कृति को कहीं ना कहीं धूमिल कर रहा है, ठेस पहुंचा रहा है, तो आपके नजर से ऐसी चीजों को क्या करना चाहिए? मतलब ऐसे चैनलों को, ऐसी वेब सीरीज को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बंद कर देना चाहिए। क्यों नहीं? और जैसे गालियों का उपयोग करते हैं ज्यादातर आजकल वेब सीरीजों में, एक्शन लेना चाहिए उनके ऊपर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा, चलिए थैंक यू सो मच भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे भाई हमारे साथ में थे, एक भैया हो रहे हमारे साथ बबलू भैया, बबलू मोबाइल गैलरी के ओनर है। भैया नमस्कार। क्या हाल चाल है भैया? बस बढ़िया भैया। तो भैया आपके अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, आप तो हमारे मित्र हैं, मगर कहीं ना कहीं मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे यूट्यूब पे आपके बच्चे भी वीडियो देखते ही होंगे, तो कहीं ना कहीं वीडियो देखते देखते कभी कभी ऐसी चीजें आ जाती हैं सामने, या ऐसे कंटेंट क्रिएटर जो है वो आ जाते हैं, तो ये गाली गुलौज के शब्द यूज करते हैं अपने वीडियो में, तो ऐसे चैनलों को क्या करना चाहिए? ऐसे चैनलों को बैन करना चाहिए, और जो ये सब भाषा जो यूज करता है उनके कानून ऐसा बनना चाहिए जी, कि वो ये सब करने से डरे। बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। बहुत बहुत गलत करने से कोई भी डरे इस चीज से, है ना? बिल्कुल। छोटे बच्चों को तो मोबाइल वैसे तो देना नहीं चाहिए। क्या बात है, इंटरनेट जो होता ना वो छोटे बच्चों के लिए तो सही है नहीं। जी जी, है ना, हर कुछ आता रहता है, छोटे बच्चों को जहाँ तक मोबाइल से दूरी रखना चाहिए। बिल्कुल भैया, सोच बहुत बहुत बढ़िया सोच है आपकी। ये हमारे साथ थे हमारे बबलू भैया, बबलू मोबाइल गैलरी के ओनर हमारे भैया, और जो भैया ने बात बोली वो कहीं ना कहीं बहुत सही है। आप भी ख्याल रखिए और अपने बच्चों को ऐसी चीज़ों से दूर रखें, और यदि वो अकेले में जाके कुछ हेडफोन लगा के देख रहे हैं या कुछ ऐसे के लिए कंटेंट देख रहे हैं, तो उन पर नज़र रखें और सावधान रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मिल बोलते हैं जय हिंद। जय हिंद। जय भारत। तो नमस्कार गाइस, चलिए आ गए घर, भगवान जी को प्रणाम कर लिया है, और पापा जी के हमारे चल रही है पूजा, और मम्मी जी की सब्जी कट रही है, देखिए गाइस, और ये महाकाल जी के दर्शन।
एंड आई होप गाइज आज के वीडियो का मैसेज भी आपको अच्छा लगा होगा। और अब ये जो कारवा है, ये जो आंदोलन है अश्लीलता मुक्त के लिए और भारत की संस्कृति को बचाने वाला, ये निरंतर इसी तरह चलता रहेगा। मुझे पता है आप लोगों को इसमें एंटरटेनमेंट मजा तो आ नहीं रहा होगा कि यार अर्पित भाई इनने ये कौन सा कंटेंट चुन लिया और अपने वीडियो कैसी बनाने लगे। मुझे पता है आप लोगों को एंटरटेनमेंट भी चाहिए, जरूर एंटरटेनमेंट भी मिलेगा इसी चैनल पे आपको कॉमेडी के लिए, मगर ये जो अभी मुद्दा उठाया ये कभी बंद नहीं करेंगे, ये हमेशा चालू रखेंगे, क्योंकि अपने भारत की संस्कृति को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा धूमिल कर रहे हैं ऐसे बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर और जितने भी गलत भाषा यूज़ करने वाले हैं। तो इनको हमें सबको सुधारना है कहीं ना कहीं, और इनको सबको जितने भी हमारे गलत ये कार्य कर रहे हैं ये कंटेंट वाले क्रिएटर, तो इनको हमेशा सही राह पे लाना है ताकि अच्छा कंटेंट बनाए और हमारे भारत के बच्चे और हमारी संस्कृति बच पाए। तो मुझे आशा है कि आप लोग भी मेरा भरपूर साथ देंगे, और वीडियो को अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी चैनल वालों को, कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा लें जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और नीचे इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है उस पर भी जाके फॉलो करें। सभी सोशल मीडिया पे अर्पित नाना भोपाली के नाम से मैं आपको मिल जाऊंगा। तो मेरे इस प्रयास को आगे बढ़ाएं और अपना साथ दें। तो चलिए व्लॉग को यहीं पे करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से मैसेज के साथ। अभी के लिए नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम चौधरी, जय श्री राम, हर हर महादेव।